नमस्कार, एसएन एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक बड़ी राजस्थान में आने वाली भर्ती है, कनिष्ठ सहायक और सूचना सहायक भर्ती से संबंधित न्यूज़ लेके आपके सामने उपस्थित हैं। तो ये कनिष्ठ सहायक और सूचना सहायक भर्ती 10 अगस्त 2020 को ये प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है। उपखंड कार्यालयों में जो है कनिष्ठ सहायक और सूचना सहायक के पद नवीन पदों का सृजन किया गया है। कनिष्ठ सहायक और सूचना सहायक के नवीन पदों का जो किया गया है संग्रह, यानी इसको जो लगाया जाएगा कनिष्ठ सहायक और सूचना सहायक को उपखंड कार्यालयों में लगाया जाएगा, नवीन पदों का सृजन हुआ है। तो यह 10 अगस्त 2020 को प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। कनिष्ठ सहायक लेवल 5 में होंगे और 294 पद हैं, और सूचना सहायक लेवल 8 में होंगे और इसके 294 पद हैं। तो साहब, ये जो कनिष्ठ सहायक भर्ती है बहुत अच्छी पोस्ट है, 294, और सूचना सहायक की भी 294 अच्छी पोस्ट है। जो इन्हीं भर्तियों के लिए बैठे हैं, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वो अभी से तैयारी करने लग जाए, क्योंकि ये भर्तियाँ जो है बार बार नहीं निकलती हैं। पढ़ने वालों के लिए एक पोस्ट भी कम नहीं होती है, वो भी ज़्यादा होती है, एक पोस्ट में लग के बता देता है पढ़ने वाला। तो आप भी मेहनत कीजिए, 294 ऐसे समझे कि बहुत सारी पोस्टें हैं। तो साहब, कनिष्ठ सहायक लेवल 5 में होंगे और सूचना सहायक लेवल 8 में होंगे, दोनों की पोस्टें 294 हैं और इसको प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। तो इसमें देखो, कनिष्ठ सहायक में क्या होगा, कनिष्ठ सहायक में 12th पास मांग सकते हैं। अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, केवल वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। इसका मतलब क्या हुआ कि कभी भी वैकेंसी जारी हो सकती है, इसमें 12th पास मांगा जा सकता है और RSCIT वाला कोर्स भी मांग सकते हैं। तो जिसने RSCIT कर रखा है उसके लिए फायदेमंद है। इसमें कंप्यूटर रिलेटेड डिप्लोमा मांग सकते हैं, हो सकता है RSCIT भी इसमें भी मांग ले। तो RSCIT तो कम से कम जरूरी है ही है, दोनों में RSCIT ज़्यादा है जरूरी है, लेकिन इसमें थोड़ा कंप्यूटर रिलेटेड कोई दूसरी डिग्री भी मांग सकता है। तो इसमें 12th लेवल का हो सकता है, इसमें भी 12th लेवल का हो सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा BA लेवल का हो सकता है, वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद हम बता सकते हैं। तो इसमें आप जी जान लगा के मेहनत करते रहें, तैयारी करते रहें, क्योंकि ये वैकेंसी बार बार नहीं निकलती है। दो वैकेंसी पढ़ने वालों के लिए खूब होती है, आप अगर रात दिन मेहनत करेंगे तो क्या होगा, आपके लिए दो जो पोस्ट होती है ना उसमें भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जो पढ़ने वाले होते हैं वो पोस्टों को नहीं देखते हैं, जो नहीं पढ़ने वाले होते हैं वो पोस्टों को देखते हैं। 1 लाख जो नहीं पढ़ेगा वो तो उसका तो 1 लाख जो पोस्टें होगी ना उसमें भी सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए पढ़ने वाले ध्यान दें कि मेहनत करके पढ़ो, मेहनत करो, बार बार मेहनत करो, आपको कभी ना कभी सफलता मिलेगी। बहुत सारे मेरे साथी ऐसे भी होंगे जिनका क्या कि बार बार मेहनत कर रहे हैं फिर भी एक आधे नंबर से रह जाते हैं। वो कारण क्या कि कभी कभी किस्मत भी हमारी परीक्षा लेती है, इसलिए किस्मत देखती है कि यह देखा कितना मजबूत है, हाँ कितनी मेहनत करता रहता है, वो भी देखती है। इसलिए किस्मत कभी ना कभी हमारा साथ देगी, तो मेहनत करना नहीं छोड़े। ऐसे नहीं कि एक आधे नंबर से हर बार रह जाता हूँ मेहनत नहीं करूँगा, मेहनत करना छोड़ दिया तो फिर तो कुछ नहीं होगा। अगर एक आधे नंबर से रह जाते हैं और फिर मेहनत करते जाते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, ऐसे नहीं कि मैं 12वीं में 90% बना लिया फिर बाद में जॉब लगे नहीं लगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो ऐसे बच्चे भी मैंने देखे हैं जिसके 10th में 12th में सप्लीमेंट्री है फिर भी वो नौकरी में है। उसका कारण उन्होंने बाद में ऐसा लक्ष्य बना लिया कि मुझे क्या करना है, जॉब लगना है। तो ये कनिष्ठ सहायक और सूचना सहायक की 294 पोस्टों की एक बड़ी वैकेंसी होगी, आपके लिए बड़ी समझ लेना, ये समझ में आ रही कोई छोटी छोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी वैकेंसी है, ऐसे समझ लेना, क्योंकि आपका सिलेक्शन तो इसमें ही होना है। तैयारी करते रहें और अपने साथियों को भी बताते रहें कि ये वैकेंसी आने वाली है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।